राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, आज हम सभी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात, श्री राधे राधे होए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। अर्जुन बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है और उसमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथिनी के प्रभाव से ही राजा मांधता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है, घोड़े के दान से हाथी का दान उत्तम है और हाथी के दान से भी भूमि का दान उत्तम है, उसमें भी उत्तम तिलों का दान है। तिल से उत्तम है सोने का दान और सोने के दान से अन्न दान उत्तम है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान अन्न दान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान दोनों का उत्तम फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का भी फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना आदि, एवं व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि शयन ना करके सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा
तथा दुष्ट और पापी लोगों की संगत भी कभी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना एवं असत्य बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्य भक्षण भी वर्जित माना गया है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। अब हम भरतनी एकादशी के व्रत की कथा का जो सार है उसको भी जानते हैं। संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी को सुख और सौभाग्य मिलता है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। तो आप सब भी श्री बांके बिहारी जी महाराज की खूब भक्ति करें, खूब भजन करें, खूब कीर्तन करें और श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। यही प्रार्थना बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अन्य भक्त भी कथा का आनंद ले सकें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरदास।